भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का दूसरा भाग है। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि दोन ब्राह्मण के साथ तथागत बुद्ध का संवाद चल रहा है और दोन ब्राह्मण को तथागत समझा रहे हैं कि ब्राह्मण जो देव सदृश ब्राह्मण होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि दोन ने तथागत से ये कहा कि भाई मैं ब्राह्मण तो हूँ लेकिन मैं किस तरह का ब्राह्मण हूँ ये मैं आपको नहीं समझा सकता। तो तथागत उसे समझा रहे हैं कि ब्रह्म सदृश देव सदृश ब्राह्मण कैसे होते हैं। तो देव सदृश ब्राह्मण की बात यहाँ हो रही है। तथागत कहते हैं कि हे दोन, इस प्रकार एक ब्राह्मण देव सदृश होता है। हे दोन, एक ब्राह्मण जो बंधन युक्त ब्राह्मण होता है वो कैसे होता है। देव सदृश ब्राह्मण की बात पिछली कड़ी में हमने समझ ली थी। अब देखिए, ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कैसे होता है। तो हे दोन, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता को, जो पिछली कड़ी में जो उन्होंने बताया था, बस बिल्कुल वही बात यहाँ उन्होंने बताई है। और फिर वे कहते हैं कि और जब विवाहित जीवन से उसे संतान प्राप्ति हो जाती है तो वह अपनी संतान के प्रेम के वश में हो जाता है और वह घर पर ही रहता है, वह गृह त्याग कर अनागरिक नहीं होता है। जो घर पर ही रहता है, अनागरिक नहीं होता है, वो बंधन युक्त ब्राह्मण कहलाता है। वह अपनी परंपरागत ब्राह्मणी बंधनों को निभाता है, उनका उल्लंघन नहीं करता। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सीमा में रहता है, सीमोल्लंघन नहीं करता, सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अपनी सीमा में ही रहता है, वैवाहिक जीवन में रहता है, अपने घर पर रहता है, वह गृह त्याग नहीं करता है और अनागारिक नहीं होता है। दोन, इस प्रकार का ब्राह्मण ये बंधन युक्त होता है। अब आगे की बात वे बता रहे हैं कि दोन, एक ब्राह्मण बंधन भंजक कैसे होता है, बंधन भंजक कैसे होता है। तो हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता से आया है, वह आचार्य की दक्षिणा चुकाता है और एक स्त्री ग्रहण करता है, धर्मानुसार व अधर्मानुसार। एक खरीदी गई व बेची गई ब्राह्मणी अथवा जो जलाभिक्षित हुई उसे भी वो धारण कर लेता है। वह एक ब्राह्मणी के पास भी जाता है या किसी क्षत्रिय कुमारी के पास भी जाता है या किसी नीच जाति व दासी स्त्री के पास जाता है, किसी अंतेज कुमारी के पास भी जाता है, किसी वंशफोड़ की लड़की के पास, किसी रथकार किसी आदिवासी की लड़की के पास, वह बच्चे वाली स्त्री के पास जाता है, वह दूध पिलाने वाले के पास भी जाता है, वह रितुनी के पास भी जाता है तथा जो रितुनी नहीं है उसके पास भी जाता है और उसके लिए ब्राह्मणी कामाग्नि को शांत करने का, क्रीड़ा करने का, भोग करने का व संतानोत्पत्ति का साधन बन जाती है। इस तरह से कई स्त्रियों के पास जाता है और वह पुरानी ब्राह्मणी परंपरा के बंधन में नहीं रहता, वह उस सीमा को लांघ जाता है। उसके बारे में कहा जाता है वह सीमा में नहीं रहता, वह सीमोल्लंघन करता है, इसलिए वह बंधन भंजक कहलाता है, बंधन भंजक हो जाता है वो।
और दोन एक ब्राह्मण, अंतिज ब्राह्मण कैसे होता है? तो तथागत समझाते हैं कि एक ब्राह्मण को अंतिज ब्राह्मण कब कहा जाता है। तो यहां लिखा गया है कि हे दोन, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता से आता है। वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वह वेद मंत्रों का ज्ञाता बनता है। तब अपना विद्या अध्ययन समाप्त करने के अनंतर वह आचार्य दक्षिणा खोजता है। वह धर्मानुसार व अधर्मानुसार जैसे भी हो अपनी जीविका चलाता है। कृषक बनकर, व्यापारी बनकर, ग्वाला बनकर, धनुषधारी बनकर, राजकर्मचारी बनकर अथवा किसी अन्य शिल्प द्वारा व भिक्षा पात्र की उपेक्षा न कर भिक्षाटन द्वारा वह अपना जीवन यापन करता है। कभी व्यापारी बनकर, कभी भिक्षा से, जो जैसा मिले, जैसा भी मिले, जिस तरह से मिले वैसे वो जीवन यापन करता है। और आचार्य दक्षिणा दे चुकने के अनंतर वह धर्मानुसार व अधर्मानुसार एक स्त्री को प्राप्त करता है। एक खरीदी या बेची गई अथवा हाथ पर जल डालकर ली गई स्त्रियों को लेने का, विवाह का ये भी एक प्रचलन, एक परंपरा रही है कि हाथ पर जल डालकर उस स्त्री को वो अपने साथ रख लेते हैं। वह एक ब्राह्मणी के पास जाता है अथवा किसी अन्य स्त्री के पास भी जाता है, बच्चे वाली हो चाहे दूध पिलाने वाली हो, सभी के पास वो जाता है और उसके लिए कामाग्नि शांत करने का वो साधन बन जाती है अथवा संतानोत्पत्ति का भी वो साधन बन जाती है। वह ये सभी बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। तब ब्राह्मण पूछते हैं, ये कैसे हैं कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा जीवन व्यतीत करता है? तथागत पूछते हैं, क्या एक श्रेष्ठ ब्राह्मण क्या इस तरह का जीवन व्यतीत करता है, इस तरह से जीवन व्यतीत करता है? तब वह उत्तर देता है, जैसे आग साफ या मैली सभी चीजों को जला देती है लेकिन उसे अग्नि अशुद्ध नहीं होती, इसी प्रकार भद्रजन, यदि एक ब्राह्मण इस प्रकार की सभी बातें करता हुआ भी जीवन व्यतीत करता है तो उससे एक ब्राह्मण मलिन नहीं होता। दोन ब्राह्मण तथागत को कहता है कि इससे एक ब्राह्मण मलिन नहीं होता, चाहे वो जैसा भी कुछ कर लें, किसी भी तरह का उसका आचरण हो, कामाग्नि से भरपूर या फिर कहीं भी और कैसा भी जीवन जीने वाला वो हो, तब भी वो मलिन नहीं होता। और ये कहा जाता है कि वह ऐसी सभी बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह अंत्यज ब्राह्मण कहलाता है। देखिएगा कि वो जो ब्राह्मण जो इस तरह का बिल्कुल निचले स्तर का जीवन यापन करता है उसे अंत्यज ब्राह्मण कहा जाता है, निम्न स्तर का। तो तथागत कहते हैं, निश्चय से दोन, जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्र धर ब्राह्मण है, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षरशाह शब्दशाह ज्ञान है, उन्हीं का कहना है कि ब्राह्मण 5 प्रकार के होते हैं। ये जो तथागत ने जो बात बताई कि ब्राह्मण इतनी तरह के होते हैं, 5 तरह के, जिसमें देव सदृश, ब्रह्म सदृश, जो बंधन युक्त या फिर बंधन भंजक या फिर अंत्यज, ये जो 5 प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं, तो इसकी चर्चा जो मंत्र निर्माता और मंत्र रचयिता ब्राह्मण है उन्होंने ही इस तरह के 5 तरह के लोगों की बात कही है। तो दोन, इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से तुम्हारी गिनती किन में है? अब तथागत ने दोन से ही ये प्रश्न कर दिया कि ये तो इतने 5 तरह के ब्राह्मण होते हैं, अब बताओ कि तुम इन सब में से कौन से प्रकार में आते हो? ब्रह्म सदृश, देव सदृश, बंधन युक्त, बंधन मुक्त या फिर अंत्यज, कौन हो तुम, किस तरह के ब्राह्मण हो? तो दोन कहता है, श्रमण गौतम, यदि ऐसा है तो कम से कम हम अंत्यज ब्राह्मणों में तो नहीं है। दोन कहता है कि तथागत, यदि ये बात है, ब्राह्मण इतने प्रकार के होते हैं, तो वो जो अंत्यज ब्राह्मण है कैसा भी जीने वाला,
वैसे तो हम नहीं हैं, लेकिन श्रमण गौतम आपका कहना अद्भुत है। द्रोण कहता है, ये जो दोन ब्राह्मण है ये कहता है कि आपका कहना बहुत अद्भुत है, चमत्कारिक है, ओजस्वी है। आप मुझे प्राण रहने तक बुद्ध की शरण में गया हुआ उपासक समझे। ये ब्राह्मण जो अपने ब्राह्मणत्व की बात समझाने आया था तथागत के पास, उनने कहा कि आप जो दीर्घ आयु ब्राह्मण हैं, जो बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, आप उनके लिए आसन खाली नहीं करते, अपने स्थान से नहीं उठते, उनका सम्मान नहीं करते। वो ये जो बात लेकर आया था, वो दोन तथागत की बात सुनने के बाद और ब्राह्मणों का वर्गीकरण सुनने के बाद तथागत का अनुयायी बन गया और तथागत से विनती करने लगा कि भगवान आप मुझे अपना उपासक बना लें और अपनी शरण में मुझे रख लें। और इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि ये जो जितना ये दूसरा भाग था षष्ठ कांड का, ये षष्ठ कांड का दूसरा भाग जो बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, कसी भारद्वाज सूत्र में मिलता है, धम्मपद के अठ कथाओं में भी से भी कुछ हिस्सा इसमें लिया गया है और संयुक्त निकाय की अठ कथाओं से भी इसमें कुछ हिस्सा है। चुल्ल वग्ग भी आता है जिसमें संघभेदक खंड जो हैं, और विमानवत्थु में और विमानवत्थु अट्ट कथा में इसका उल्लेख मिलता है। ये उसके संदर्भ ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय का 5.4 और 5.2 इसमें इसका पूरा उल्लेख मिलता है। तो जिन लोगों को बड़े विस्तार से सुनना समझना हो तो वो बौद्ध साहित्य के इन पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है, तो अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।